ना था जिन्होंने बिहार से ही उस संघर्ष की शुरुआत की थी। ऐसे अनेक संघर्ष बिहार किसान सभा के नेतृत्व में जमीन के सवाल को लेकर हुए हैं, सामंतों के प्रश्न को लेकर हुए हैं, सामंती उत्पीड़न के सवाल को लेकर हुए हैं, जमीन के बंटवारे को लेकर हुए हैं और सिंचाई योजनाओं से लेकर बाकी सवालों पर हुए हैं। उसके लिए हमारे बीच में चर्चा करने के लिए बिहार किसान सभा के महासचिव विनोद जी मौजूद हैं। विनोद जी उन संघर्षों की जानकारी देंगे जो पिछले कई वर्षों में वहाँ की किसान सभा ने किए हैं और शहादतें दी हैं। उस समय मुख्य लड़ाई किसानों की किसान सभा के नेतृत्व में जमीन के सवाल पर था और उस जमीन के सवाल पर आज़ादी के बाद भी जो सरकारें आई वो जमीन का बंटवारा नहीं किया, जमींदारों के हाथ में जमीन रही और उसके खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा ने आंदोलन जारी रखा और उस आंदोलन में अपने एक पर एक बेशकीमती नेताओं को साथियों को बलिदान देना पड़ा। कॉमरेड अजीत सरकार, कॉमरेड रामनाथ महतो सहित दर्जनों हमारे किसान आंदोलन के नेताओं ने कुर्बानी दे करके जो जमीनें जमींदार के पास थी उसका बंटवारा का लड़ाई लड़ा और आज भी हजारों एकड़ ज़मीन पर उस आंदोलन के चलते गरीब जो हैं वो बसे हुए हैं। जो भी सरकारें आई उसके द्वारा लगातार उस जमीन से बेदखल करने का प्रयास किया गया। आज भी बिहार राज्य किसान सभा को कई इलाकों के अंतर्गत जो जमीन जमींदारों से छीन करके गरीबों के बीच में भूमिहीनों के बीच में बंटवारा किया गया जिस पर वर्षों से वो काबिज हैं लेकिन उसके नाम पर जमीन अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दी गई। बार बार इस तरह की घटना होती है जिसका बिहार राज्य किसान सभा लगातार प्रतिरोध करते आया लेकिन अभी जो सरकार की तरफ से नए कानून बना रहे हैं वो नया खतरा भूमि अधिग्रहण कानून के नाम पर यहाँ पर शुरू हुआ। अभी बास के जमीन और जो पूरी हमारी दखली जमीन थी उसको रक्षा करने का सवाल वास के सवाल पर और जो अभी सरकार के तरफ से मोदी सरकार के तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है जो उसके ज़मीन को किस तरह कॉरपोरेट और दूसरे लोगों के हाथों में दिया जाए नया नया कानून ला करके इसके खिलाफ भी लगातार वहाँ पर प्रतिरोध की कार्रवाई आयोजित की जा रही है। ज़मीन के साथ साथ आज जो वहाँ पर मुख्य सवाल है जो खेती है बिहार का वो बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ खेती है। सरकार के तरफ से जो उसके लिए इंतजाम सिंचाई का इंतजाम करना चाहिए उसके लिए जो उसके फसलों के खरीद का इंतजाम करना चाहिए वो कहीं भी नज़र नहीं आता। लगातार अभी वहाँ बीजेपी और जदयू की सरकार है वो नारा तो दे रहे हैं जो हमारा बिहार का किसान बहुत खुशहाल है। अगर बिहार का किसान खुशहाल होता तो देश में सबसे अधिक पलायन करने वाले लोगों की संख्या बिहार से ही है और आपने देखा जो किस प्रकार अभी लॉकडाउन और ये कोरोना महामारी के त्रासदी में बिहार के लोगों को क्या दुर्गति हुई उसमें सबसे अधिक लोग प्रताड़ित हुए बिहार के ही और उसका मुख्य कारण है जो वहाँ जमीन का केंद्रीयकरण होना और जो कृषकों का जो उपज है उसका सही दाम न मिलना। और हम समझते हैं जो अभी बिहार में ही सबसे पहले यहाँ पर मंडी को ख़त्म करने की प्रक्रिया लागू की गई थी बिहार से शुरुआत हुई और ये मोदी सरकार उस मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहती जो पंजाब है हरियाणा है जहाँ पर कुछ खरीद होता भी है तो उसको आज वो बिहार की स्थिति में लाना चाहते हैं। जिस तरीके से वहाँ पर वहाँ के किसानों के फसलों का लूट हो रहा वो पूरे देश के अंतर्गत इस मॉडल को लागू करना चाहते हैं जिस मॉडल की बात नीतीश जी हमारे कर रहे हैं मोदी जी उस मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं बिहार की स्थिति में वो बाकी देश के किसानों को भी लाना चाहते हैं। तो हमारी लड़ाई तो बिहार के अंतर्गत थी जो मंडी का स्थापना हो जो सरकार तय करती है उस पर खरीद की व्यवस्था हो दो फसलों का खरीद का सरकार दावा भी करती है गेहूं का धान का लेकिन गेहूं और धान का भी जो खरीद होता है वो कागजों में खरीद होता है और इसके नाम पर एक बड़ा घोटाला बिहार के अंतर्गत है। इस बार भी रिकॉर्ड खरीद की बात की गई 4 लाख टन कभी 3 लाख टन की बातें हो रही है लेकिन वो सारा का सारा खरीद जो है उसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक भ्रष्टाचार का वो एक बना हुआ है और व्यापारी खरीदते हैं 1300 में 1200 में धान और बेचते हैं फिर 1975 रुपया में उसको दिखाया जाता है खरीद और उसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक बंटवारा होता है। गेहूं का भी खरीद का सरकार पहले तो करती ही नहीं थी इस बार 4 लाख टन गेहूं का खरीद का दावा किया लेकिन एक भी गांव में किसानों से डायरेक्ट जो है सरकार के द्वारा नहीं खरीद की गई
बल्कि वो बिचौलिया के माध्यम से इसको लागू करते हैं। मक्का की खेती, पूरे देश में सबसे अधिक मक्का की खेती बिहार के अंतर्गत होता है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा अगर कहा जाए मक्का उत्पादक क्षेत्र, तो बिहार का जो इलाका पूरा वर्ष पानी में डूबा रहता है, एक ही मात्र फसल होती है, लेकिन वो भी 800 रुपये 900 रुपये बेचना पड़ता है। सरकार का 1975 रुपया तय है, लेकिन 800 रुपये 900 रुपये उसको बेचना पड़ रहा है। जो उस पर आधारित उद्योग की स्थापना होनी चाहिए थी, जिससे कि किसानों को वहाँ का जो उत्पाद है उसके मुताबिक हो। तो सरकार तो दावा बहुत कुछ कर रही है, लेकिन सच्चाई यही है जो बिहार का खेती पूरी तरीके से चौपट है। सरकार को जो इस दिशा में पहल करना चाहिए, वो कोई भी पहल नहीं हो रहा है। केवल कभी बिहार का सारा सामान व्यंजन पूरा देश में पूरा दुनिया में बेचा जाएगा, सबके थाली में होगा, इस तरह का सब्जबाग दिखा करके, जिस प्रकार मोदी सरकार आज सब्जबाग दिखा रही है, जो ये 33 कृषि कानून के किसानों के आय को हम दोगुना करने के लिए कर रहे हैं, उसी प्रकार उनके जो चेले हैं, उनके जो सहयोगी हैं। मैफ हैं, वो उनका लूट का एक जरिया है। जितना भी योजना है वो लोगों को भरमा करके, किसानों को भरमा करके अभी तक गद्दी में हैं। जनता जानने लगी है और आज जो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन छिड़ा है, बिहार के किसान भी संगठित हो रहे हैं, वो लगातार आंदोलन के मैदान में हैं। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जिस आंदोलन की शुरुआत की थी, उस आंदोलन के वारिस के नाते जो उनकी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर आए हैं। और हम लोगों को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी बिहार के किसानों को आने वाले दिनों में, सरकार अगर 3 कानून को वापस नहीं लिया, और जो हमारा संयुक्त मोर्चा का आह्वान है, जो जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होता, तब तक हमारा ये आंदोलन और आंदोलनकारी दिल्ली के मैदान से हटने वाले नहीं हैं। तो हम अभी आए हैं, 7 तक रहेंगे, ज़रूरत पड़ेगी आगे भी आएंगे, और तब तक आते रहेंगे जब तक कि ये राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा आंदोलन है, उसका जो संकल्प है, जो जब तक सरकार किसानों की मांग को नहीं मानता, 3 कृषि कानून को रद्द नहीं करता, और MSP पर खरीद की गारंटी के लिए कानून नहीं बनाता, तो हम उस संकल्प के साथ हैं और रहेंगे आगे। बिहार के जो किसान हैं, जो MSP की गारंटी का कानून का बात यहाँ से उठ रहा है मोर्चे से, क्या इसको समझ पा रहे हैं लोग? बिल्कुल, उसको समझाने के लिए हम लोग लगातार तो सरकार की तरफ से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान सभा और दूसरे जो किसान संगठन हैं, वो एक साथ मिलकर के गांवों के अंतर्गत और जिलों के अंतर्गत महापंचायत का आयोजन करके इस 3 काले कानून के बारे में लगातार जानकारी देने की कोशिश कर रही है। और बिहार के किसान भी अब समझने लगे हैं, जो इनका कानून अडानी अंबानी के लिए है, इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए, किसानों के लिए नहीं, ये लगातार झूठ बोल रहे हैं और जनता को गुमराह करने की जो उसकी साजिश, उसी साजिश का हिस्सा ये 3 कानून भी है। इस बात को बिहार के किसान बखूबी समझ रहे हैं।